हेलो भाई लोग, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज ऐसी मैं पांच वेबसाइट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि काफ़ी मस्ती वेबसाइट है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनका आप यूज़ करके थोड़ा मज़े कर सकते हो। अगर आप बोर हो रहे हो तो उन वेबसाइट को यूज़ करके अपना टाइम अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बेसिकली उनमें से दो वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि आपको नॉर्मल लाइफ में हमें काम आएगा। आजकल सोशल मीडिया डिजिटलाइज बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इस सब में आपको काम आएगा। बिना किसी देरी के पहली वेबसाइट पर आते हैं। पहली वेबसाइट है vo.co। बेसिकली वेबसाइट क्या करती है, आप बहुत सारे करेक्टर, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, वीडियो गेम के करेक्टर्स या फिर एनीमे या कार्टून से करेक्टर, उन सब की वॉइस में अपना टेक्स्ट रीड करवा सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि न्यूली एडेड वॉइस, बहुत सारे ऑप्शन है, कार्टून, एनीमे, सेलिब्रिटीज, वीडियो गेम्स। तो यहाँ पे हम कार्टून एनीमे का चूज करते हैं, उसमें से गोकू को चूज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे गोकू चूज किया है। कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इन द गेम अप टू 100 अननोन प्लेयर। तो स्पीक करवा के देखते हैं। तो जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था वो गोकू की आवाज में हमारे पास सुनाई। ऐसे में इसको काफी जगह यूज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, किसी और वॉइस में टेक्स्ट वगैरह। ऑब्वियसली कॉमर्शियल पर्पज के लिए किसी और की वॉइस ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फन के लिए या फिर मजे करने के लिए बहुत सही है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, पी फॉर ग्रीन, वेजिटा वगैरह, योडा, पॉलिटिशियंस में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बराक ओबामा, अर्नोल्ड या फिर डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, ये सारी चीज़। तो काफ़ी मस्ती वेबसाइट मेरे को लगी, मैंने सोचा बताइए सबको। बिना देर के सेकंड वेबसाइट पे आते हैं। सेकंड वेबसाइट जो है बेसिकली कि वीडियो एडिटिंग के लिए है, जिसमें कि आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो वीडियो क्लिप्स में से। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपनी कोई क्लिप अपलोड कर सकते हो या फिर यहाँ पे से कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। मैं ऐसे रैंडमली कोई क्लिप उठा लेता हूँ यहाँ से। तो जैसे ये डांस वाली क्लिप मैंने उठा ली, तो यहाँ पे ये अपलोड होने के बाद में आप या तो एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड कर लो, अदरवाइज आप बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हो। जैसे डांस कर रहा है तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड दूसरा लगा देते हैं, तो अभी ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पर रोड के बीच में डांस कर रहा है। तो काफ़ी मस्त सा टूल है ये, आप यूज़ कर सकते हो अपनी रील्स वगैरह के लिए, क्लिप्स वगैरह बनाने के। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए तीसरी वेबसाइट पर आते हैं। तीसरी वेबसाइट है flightradar24.com, जिससे हम स्क्रीन रिमूव कर रहे थे, उसका नाम था unscreen.com। थर्ड वेबसाइट यहाँ पे flightradar24.com। बेसिकली इसमें क्या है, अभी मैं जो बहुत सारी फ्लाइट आपकी फ्लाई कर रही होगी, तो वो सारी फ्लाइट का लाइव डाटा, मतलब लाइव यार आपको पता करना है वो वाली फ्लाइट कहाँ पे है, उसका लाइव डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इतने सारे प्लेन है, एक प्लेन पे यहाँ पे हम किसी को जूम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाली फ्लाइट है, तो जैसे हमने जूम किया तो यार ये फ्लाइट मूव कर रही है, ध्यान से देखा जाए मतलब इसका लाइव डाटा आ रहा है। जो फ्लाइट जहाँ पे वहाँ पे मूव कर रही है, वहाँ से आपको सीधा पता चला ये फ्लाइट कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन पे इस टाइम पे। तो यार तो बहुत मस्ती वेबसाइट लगी मेरे को। जैसे यार आप गूगल मैप पे किसी और की लोकेशन ट्रैक कर रहे हो, जैसे आप अपनी फ्लाइट भी देख रहे हो यार कौन कौन सी फ्लाइट कहाँ पे उड़ रही है, रोड पे पता चल जाता है, हवा में पता नहीं चलता ना कौन सी फ्लाइट कहाँ पे। अगली वेबसाइट जो बड़ी कूल से होने वाली है, बेसिकली आपको पता है कि हम जो अपने सारे मैप्स देखते हैं, गूगल मैप्स हो गया या फिर अपने प्रिंटेड मैप देखते हैं हार्ड कॉपी, वो सारे 2D मैप्स होते हैं, लेकिन असल में अपनी दुनिया 3D है ना यार। तो 3D स्फेरिकल अर्थ से जो 2D पे मैप बनाया जाता है, उसके लिए एक टेक्निक भी जो होती है यार, प्रोजेक्शन वगैरह करके लोग, जो ज्ञानी लोग हैं वो सारे लोग प्रोजेक्शन वगैरह करके 2D मैप बनाते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जो भी प्लेसेस आपके पोल्स के पास है वो अगर छोटी भी है ना तो आपको मैप में बड़ी दिखती है, और जो इक्वेटर के पास है वो आपको बड़ी है तब भी वो थोड़ी छोटी दिखती है। तो आपको अगर असल में सही साइज देखना है, मतलब कंपेरिजन करना है, मान लो अगर ग्रीनलैंड का अफ्रीका से कंपेयर करना है, फिर इंडिया का आपको अंटार्क्टिका से कंपेरिजन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक वेबसाइट है, द ट्रू साइज डॉट कॉम। बहुत ही कूल सी वेबसाइट मेरे को लगी। यहाँ पे जैसे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कोई भी आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है या जगह सेलेक्ट करनी है, उसके लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ग्रीनलैंड जैसे सर्च किया, ग्रीनलैंड आया, मैंने ऐसे ग्रीनलैंड पे क्लिक किया, तो पहले से एक बार था, दूसरी बार भी आ गया। अब यहाँ पे क्या हमें देखना है, किसी और कंट्री से कंपेयर करना है। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, जो ग्रीनलैंड है और हमारा अफ्रीका, दोनों को अगर देखो तो ग्रीनलैंड और अफ्रीका सेम सेम लग रहा है। और जो ग्रीनलैंड है उसका साइज लगभग 0.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, लेकिन अफ्रीका का जो साइज है लगभग 11 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, और अफ्रीका का जो साइज है लगभग 11 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। तो यार लेकिन हमें मैप में देखने में तो सेम सेम लग रहा है 2D में, अगर हमें इसका सही साइज कंपेयर करना है तो ऐसे ग्रीनलैंड को पकड़ेंगे। बेसिकली ग्रीनलैंड का एक प्रोजेक्शन आपको मिल गया जो भी उसके बॉर्डर है, पकड़ो उसे, ड्रैग करके ले जाओ। असल में यार हमने जब वहाँ अफ्रीका के ऊपर ड्रैग किया तो हमें पता चला, जो हमें मैप में इतना बड़ा दिख रहा था अफ्रीका पे ड्रैग करने वाला, अफ्रीका की कंपेरिजन में तो बहुत छोटा है यार। तो यहाँ पे आप अपनी जगह का या फिर किसी भी कंट्री का सही साइज चेक कर सकते हो कंपेरिजन में, यार कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके हाँ, काफ़ी कूल वेबसाइट है। तो अगली जो वेबसाइट है ना वो और भी कूल होने वाली है। कई बार आप फोटो खींच रहे हो यार, मस्त सी सीन दी, आपके पीछे माउंटेन्स है, रिवर है, बहुत मस्त मस्त है। क्या हुआ, आप फोटो खींच रहे हो, पीछे एक अंकल आ गए मस्त मस्त, हाँ भाई हम भी आएंगे फोटो में।
तो वो सारे जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स बोले या फिर जो हम नहीं चाहते हमारे फोटो में आए, तो वो सारी चीजें रिमूव करने के लिए बढ़िया सी एक वेबसाइट है, द इनपेंट डॉट कॉम। आप इसका यूज करके अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को आप पीछे से रिमूव कर सकते हो अपने बैकग्राउंड में। यहाँ पे एक इमेज अपलोड करते हैं कोई भी, तो एक इमेज जैसे हमने अपलोड की, अपलोड करने के बाद एक एडिटर आपका ओपन हो जाएगा। एडिटर जैसे ही ओपन, अब आपको मान लो ये दो बच्चे हैं पीछे और मैं साइड में वैसे ही आ गया, बच्चों की पूरा मजा खराब करती है। तो क्या है, यहाँ पे आप ब्रश का साइज सेलेक्ट कर लो, बड़ा छोटा जो भी है ना। तो यहाँ पे जो जो हमें ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, जैसे मान लो ये डंडा पड़ा हुआ है, ये डंडा हमें पूरा रिमूव करना है, साथ ही में हमें अपना ये जो मैं आ रहा हूँ ये पूरा रिमूव करना है। तो जो भी हमें रिमूव करना है उस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब सेलेक्ट थोड़ा अच्छे से करना है, ऐसा नहीं है कोई पार्ट छूट जाए तो थोड़े ना डिस्क्रिपेंसी सी लगेगी, बीच बीच में वो गायब होगा, बीच बीच में से फिर सही से नहीं हो पाएगा। तो पूरा आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट बचे ना अच्छे से सेलेक्ट कर लो। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा सेलेक्ट भी हो जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप मैनेज कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपना पूरा फोटो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं इरेज पर जैसे ही क्लिक करता हूँ थोड़ा प्रोसेस वगैरह होता है, उसके बाद में एक जो इमेज निकल के आएगी बहुत ही कूल सी इमेज होगी। तो जो इमेज अभी निकल के आई है सामने देख रहे हो यार, मैं पूरा साइड से रिमूव हो गया हूँ और जो फोटो बचा है सिर्फ दो बच्चों का, तो पूरा रिमूव हो गया। अब डाउनलोड वगैरह भी इसे कर सकते हो, कहीं पे भी आप इसे यूज कर सकते हो। और आपको मतलब अच्छे रेजोल्यूशन में चाहिए तो आप परचेज करना पड़ेगा, नॉर्मल रेजोल्यूशन में चाहिए तो यार वैसे फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। ये पांच वेबसाइट मेरे को काफी कूल लगी, मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए, लोगों की थोड़ी हेल्प होगी, लोगों को थोड़ा मजा आएगा वेबसाइट देख के। तो ये पांच वेबसाइट आप भी ट्राई कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट एक बार तो इन पांचों वेबसाइट को ट्राई करके देखो। फिलहाल वीडियो में इतना है, और ऐसी मस्त मस्त और आइडिया कॉन्टेंट सब कुछ आता रहेगा। चैनल हमें सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो प्लीज कर दो। थैंक यू एंड बाय बाय।